हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम विद इन वेरी शॉर्ट टाइम म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है वो समझने जा रहे हैं। इसको स्टडी पर्पस से मत पढ़ना, नॉलेज के पर्पस से पढ़ना, राइट? ठीक है फ्रेंड्स, जनरली ऐसा होता है कि मान लो हम इन्वेस्टर्स है, राइट? हमको ऑलवेज डायलेमा रहता है कि हम अपना फंड एफडी में इन्वेस्ट करें या हम अपना फंड शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें या कोई कंपनी के डिबेंचर्स ले लें। तो ये ऑलवेज डायलेमा रहता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि हम ये जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फंड हम असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं, जिसको हम म्यूचुअल फंड कंपनीज भी बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये जो आपसे जो फंड मिला हुआ होता है उसको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या तो डेट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। डेट मार्केट के अंदर डिबेंचर्स भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सिक्योरिटीज होते हैं उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट इसमें आपके पास चॉइस होती है। मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड चाहिए, HDFC का पर्टिकुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड चाहिए, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे पर्टिकुलरली वो म्यूचुअल फंड परचेस करना है और मुझे वो चेक करना है कि ये HDFC का ये जो म्यूचुअल फंड है उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, बराबर? तो शायद वो इक्विटी में हो सकता है या तो डेट में हो सकता है या तो दोनों में हो सकता है। अगर अकेला इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। यानी वो लोग क्या करते हैं, आपने जो उनको पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, बराबर, वो लोग पर्टिकुलरली इक्विटी स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो तो आप डेट फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि वो लोग जो आपका फंड होता है उसका वो डेफिनेटली दे विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स या तो डिबेंचर्स जिसमें से फिक्स इनकम जनरेट होती है, बराबर। और कैनई से तीसरा जो होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो सबसे रिस्की म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, तो इक्विटी होता है। एज स्टॉक मार्केट जितना रिस्की है उसी तरह ये म्यूचुअल फंड भी हमारे सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप पे डिपेंड होता है, इसीलिए इसको रिस्की म्यूचुअल फंड बोला जाता है। यहाँ हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न एंड यू नो वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ आपको रिटर्न भी नेगेटिव जा सकता है। डेट को बहुत हद तक उसको सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है बिकॉज वो लोग पर्टिकुलरली फिक्स इनकम जहां से जनरेट होती है वहां ये आपके पैसे लगाते हैं। यहाँ क्या होता है, रिस्क बहुत मॉडरेट लेवल का, यानी बहुत कम रिस्क होता है बट रिटर्न भी कम मिलता है। शायद यू कैन एक्सपेक्ट हियर 6-9% रिटर्न। यहाँ शेयर मार्केट पे डिपेंड है तो आप 15% भी मिल सकता है, 60% भी मिला हुआ है, बराबर। और हाइब्रिड होता है तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12-15%, बराबर। इस हिसाब से ये तीन टाइप के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पर्टिकुलरली वो लोग दिखाएंगे कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ यहाँ है, क्या आपको करना है। अगर आप कर पाओ तो वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है, या तो आप डायरेक्टली भी वहां कंपनी की साइट पे जाके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा ये भी जान लो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है देन देयर इज नो इश्यू, बट अगर नहीं भी है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है देन यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। और हाँ, आपको ये लगेगा कि तो सर इक्विटी में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, समटाइम्स देखो हमारे पास इतना डिसीजन पावर नहीं होता, शायद हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता जितना असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास होता है। दैट्स व्हाई कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में खुद पैसा नहीं डालते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड वाले वही पैसा को स्टॉक मार्केट में अपने नॉलेज के हिसाब से लगाते हैं। और वहां भी दो टाइप होता है कि आप SIP भी कर सकते हो जिसमें होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप मंथली कर सकते हो, बराबर, कि एवरी मंथ आपके सम अमाउंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी आपके अकाउंट में से और वो लोग वो पैसे को आपके अकाउंट में से डेबिट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, राइट। या तो लमसम होता है यानी वन शॉट के अंदर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। हाँ, समटाइम्स आपको म्यूचुअल फंड में से पैसे विड्रॉ करने हो तो समटाइम्स वो लोग 1% चार्ज लगाते हैं जिसको एग्जिट लोड बोलता है। कई म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ये एग्जिट लोड नहीं होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बनाया म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।